नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मुर्गी पालन का व्यवसाय कैसे शुरू करें। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले संपूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिना जानकारी हासिल करें किसी भी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले आप संपूर्ण जानकारी हासिल करें। प्रत्येक व्यवसाय में फ़ायदा या नुकसान होता ही है। मुर्गी पालन यानी कुक्कुट पालन अति संवेदनशील फार्मिंग है। भारतवर्ष में मुर्गी पालन से अधिक लाभ देने वाला कोई व्यवसाय नहीं है, किंतु कुछ कारणों की वजह से ये अति जोखिमपूर्ण कार्य है। यदि हम जोखिम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उनसे बच बचाव करते हुए पालन कार्य करते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। किंतु समाज में यह गलतफहमी फैली हुई है मुर्गी पालन एक हानिकारक व्यवसाय है, उसमें लाभ नहीं है। यदि ऐसा होता भारतवर्ष में मुर्गी पालन का व्यवसाय न चल रहा होता। भाइयों, आप भी जानते हैं कोई भी व्यवसाय में अगर फ़ायदा नहीं होगा तो कोई भी वो कार्य करना नहीं चाहेगा। अगर इसमें फ़ायदा है तभी तो ये कार्य चल रहा है। भारतवर्ष में मुर्गी पालन व्यवसाय श्री स्वर्गीय वीवी राव एवं स्वर्गीय विश्वनाथ दुबे जी की देन है। सबसे पहले 800 चूजा लाकर इन महानुभावों ने फार्मिंग का कार्य शुरू करा। आज इनकी वेंकीज और फोनिक्स हैचरी अरबों रुपए का व्यवसाय कर रही है। यदि आप मुर्गी पालन का कार्य उसके तकनीकी और पर्यावरण के अनुसार करते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। बाजार के जोखिम होने के बावजूद आपको इस व्यवसाय में लाभ दिखेगा। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना होगा, जो कि हमें सरकार द्वारा अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क चलाए जाते हैं। प्रत्येक जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाते हैं तथा भारतवर्ष में केंद्र के मुर्गी पालन अनुसंधान केंद्र सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन CPDO में हम जाकर प्रशिक्षण दे करके प्रमाण पत्र ले सकते हैं। भारत का सबसे प्रसिद्ध मुर्गी पालन परीक्षण इज्जत नगर बरेली के अतिरिक्त समस्त कृषि विद्यालय में मुर्गी पालन के परीक्षण दिया जाता है। आप यहाँ भी जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाज सेवी केंद्र इस कार्य को करती हैं। आप सरकार की संस्थाएं से परीक्षण प्राप्त करके प्रमाण पत्र लेते हैं तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा आपको बैंकों से लोन भी दिलाया जाता है तथा पर कुछ योजनाएं अंतर्गत अन्य लोन भी मिलता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो आपको इस व्यवसाय में लाभ होगा। तो दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में अभी इतनी ही जानकारी मिलेगी आपको।